अच्छा, अगर वो समझ में आ गया था तो ये भी समझ लो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारी बातों पर कोई नहीं यकीन करेगा। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। मैं अभी जाकर पुलिस वाले अंकल को सब बता दूंगी। पुलिस वाले अंकल को सब कुछ बता दोगी? लेकिन तब ना, जब तुम यहां से जा पाओगी। जाके दिखाओ, जाओ जाओ। क्या करोगी? मॉम, तुम रुको तृष्णा, मैं पकड़ती हूँ इसे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये लो, खाना खा लो। ये लॉकअप में कैसे पहुंची? साहब, अभी तो मैं खाना देने आई थी, तब तो ये यहाँ नहीं थी, पता नहीं अचानक कैसे आ गई। लॉकअप में कैसे आई और इतने घंटों से कहाँ गायब थी? जल्दी बता। साहब, हम तो यहीं पर थे, गायब तो ये हुई थी साहब। हाँ, अभी अभी तो आई। पागल हो गई। ये चल क्या रहा है? पहले ये बोल रही थी कि ये रामकली है, अभी तुम कहती हो तुम रामकली हो। सर्कस चला यहाँ या तुम सबको मैं जोकर लग रहा हूँ? हाँ, देख के तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। हम सच कह रहे साहब, साहब हम यहीं पर थे। साहब, गायब तो ये हुई थी? बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे साहब, हम यहीं पर थे। ये पागल हो गई है, दूसरे लॉकअप में जाके बंद करो इसे। और हाँ, कड़ी नजर रखना इस पर, पता नहीं क्या हो रहा है अजीब यहाँ पे, कैसे कैसे भूत प्रेत इकट्ठा हो गए थाने में। ले जाओ इसे। हाँ, ले जाओ ले जाओ, चलो यहाँ से। हेलो, तो पैसे रात होगी बेटा, लेकिन रुद्राक्षी कहीं नहीं मिली। बेटे, हमें लगता है कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। आप, ये सब मेरे कारण हुआ, मुझे रुद्राक्षी को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अरे बेटे, अब अपने आप को दोषी मत ठहराओ, बस जल्दी से चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज करो। मैं चलो। रुद्राक्षी? अरे बेटे, अरे बेटे, ये क्या है, कहाँ थी तुम? बेटे, सारा दिन हम ढूंढते रहे, दोपहर से हम लगे हुए हैं, तुम समझ नहीं आ रही हम कितने परेशान हो गए बेटा।
कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या हुआ, क्या बेटे तुम कहाँ थी? दादू रुको, अरे दादू आप सांस लो, नहीं तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। कहाँ चले गए थे तुम? और पापा आप टेंशन मत लो, और ये देखो। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। अभी जाकर पुलिस अंकल को बताती हूँ। पुलिस वाले अंकल को सब कुछ बता दोगी? लेकिन तब ना, जब तुम यहाँ से जा पाओगी। ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? पापा जब आपने मुझे छोड़ा। अब मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता नहीं है रुद्राक्षी तुमने कितना बड़ा काम किया। कमाल की बच्ची है, कमाल की बच्ची। कृष्णा के प्लान का सारा कच्चा चिट्ठा इस वीडियो में। अब देखता हूं कैसे बचती हो तुम। संतोषी नींद में भी तेरे सर की आवाज आ रही। क्या कर रहे? चलो यहां से, चलो निकलते हैं यहां से। अरे सर यहां से भागना ठीक नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो हमारी परेशानी और बढ़ जाए। देखो पुलिस तुम्हारी बात नहीं मान रही और मानेगी भी नहीं, और जब तक यहां से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सबूत कैसे जुटाएंगे। चलो चलो जल्दी, सोचो मत, अभी जल्दी चलो। चलो प्रिय, ये हमारी ओर से आपके लिए उपहार है। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये घर का रास्ता तो नहीं लग रहा। तुम धैर्य को प्यार से क्या बुलाती हो? प्यार से क्या बुलाती हो धैर्य को? मतलब जिस नाम से भी बुलाती हो आखिरी बार याद कर लो, हमारी भक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही है? कहीं
देवी संतोषी तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रही। माते, प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव ने देवी पौलिनी पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। यदि कार्यवाही नहीं की होती तो संतोषी का बचकर जाना इतना सरल नहीं होता। उसे काम बन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब को दिखाने के बाद यकीन हो जाएगा कि संतोषी निर्दोष। अरे बाबू, अब चिंता मत करिए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब देवर जी एकदम सही कह रहे हैं, हमारी संतोषिया के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पापा, मुझे लगता है टाइम हो गया, मैं वकील साहब को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ठीक है बेटा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम खुद ही आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहां कैसे? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कल रात आपने जेल से अपनी बीवी को भगाया और आज यहां ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। सारी रात ये हमारे साथ था। हाँ अंकल, मैं भी पापा के साथ थी। बस कीजिए आप सब, 3 दिन से बहुत नौटंकी देख चुका हूँ आप लोगों की, बस अब और नहीं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो चुकी है। अब आपको जो कुछ भी कहना है थाने चल के कहिएगा। पापा, आपने चश्मा आंटी वाली वीडियो दिखाई है ना? हाँ हाँ जमाई बाबू, अब विद्या सही कह रही है, आप वो वीडियो दिखा दीजिए। कुछ नहीं देखना हमें, जो कुछ कहना थाने चल कर कहना। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिए। सर दिखाओ क्या है। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। बंद करो इसे। तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत बड़ा सबूत है। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तुम्हारी पत्नी सीधा पुष्पा जी पर हमला कर रही है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इसमें कृष्णा अपना गुनाह कबूल कर रही। देखिए, बातें करने से हकीकत नहीं बदलती है। मेरा और टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलो तुम। अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो मैं आपको वीडियो पापा मैं समझा लूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। दादू, ये जरूर कृष्णा आंटी की कोई चाल है ताकि उनका सच किसी के सामने ना आए। अब हमें मामा और पापा को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पुलिस चौकी की तरह बता सकते हैं। हाँ हाँ, यहाँ से सीधे जाइए और उसके बाद दाएं मुड़ जाइएगा जी, इस तरफ। हाँ, बहुत घुमाया है तुमने हमें, अब चल चल यहाँ से। एक तो आपने हमारे बेटे को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया, ऊपर से हमें अपनी बहू की कोई खबर नहीं, और आप सर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। छोड़ो मुझे। रुको, चुपचाप खड़े रहो। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी का है, मुझे बताइए। बेटे, इनसे बात करना फिजूल है। बस बहुत बना लिया आपने कानून का मजाक। मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट में आपके घर भेज सकता हूं, क्योंकि आप मेरे काम के बीच में दखल दे रहे हैं। ठहरिए,
अपनी बीवी को लेकर खुद भाग गए और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है वो? मैं संतोषी को कहीं भगा कर लेके नहीं गया। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता संतोषी भी कहाँ है, पर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग प्लीज जाके ढूंढिए ना संतोषी कहाँ है। अच्छा, हमारे यहाँ कैमरे झूठ बोल रहे हैं, उसमें कैमरे में आपका भूत आया था जो संतोषी को भगा कर ले गया। देखिए मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस अब और नहीं। हवलदार, बाहर करो इन दोनों को। सर, संतोषी मिल गई है। पुलिस की नजरों से कोई नहीं बच सकता, जाओ लेकर आओ उसे। संतोषी चुपचाप कहीं खड़े रहो, तुम ठीक क्यों? और उस कृष्णा ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसने तो कुछ नहीं किया, मगर मिस्टर धैर्य आप अगर तुम नहीं माने ना तो मुझे अपना रंग जरूर दिखाना होगा। हवलदार, अब इनकी चार्जशीट में ये भी डाल दो कि इन्होंने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की है। ओके सर। लेकिन हमने भागने की कोशिश नहीं की थी, हम तो वो चुप, बिल्कुल चुप। कांस्टेबल लॉकअप में ले जाओ दोनों को। ओके सर, चलो वाह, अब आएगा असली मजा। जो प्रॉब्लम का सलूशन निकालता वो खुद ही जेल में बंद होगा। अब तुम कैसे बचोगी संतोषी? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कि काम क्यों नहीं कर रहा है? माते, प्रतीत होता है ब्रह्मदेव ने देवी पौलमी की शक्तियों को स्थगित करवा दिया है, किंतु शक्तियों के अंतिम पड़ाव में भी उसने संतोषी के पति को कष्ट में डाल दिया है। हम जानते हैं बेटे से बहुत परेशान है, किस्मत देखी जरा हमारी, खुद तो यहां से निकल नहीं सकी, आपको भी यहां फंसा दिया। कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। बराबर है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये केस हमारे हाथ में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इस सीडी में पक्का सबूत है संतोषी के खिलाफ। ये सीडी एक बार लगाइए ना अंकल। अभी पता नहीं कौन सी उम्मीद है आप सबको, कहिए दीजिए, मैं लगाता हूँ इसे। मुझे भी देखना अंकल। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी संतुष्टि
सच बिटिया, तुम्हारी बहुत याद आती थी। कहावत है कहना जी, हम तो बिल्कुल चैन से सो ही नहीं पाए। बड़की भाव जी, आ जा, बहुत हो गया। नींद तो हमको भी नहीं आई थी, रात रात भर रोते रहते थे। इतना याद किया हमने तुम लोगों का, बताए रो रो के एकदम आंखें सूज गई थी हमारी। हमारी तो झपकी तक ना लगी है। अब आप सब लोग रोते ही रहोगे या मम्मा पापा को अंदर आने के लिए भी कहोगे? हाँ आएंगे, खाए नहीं आएंगे। संतोषी बिटिया, आज ना संतोषी बिटिया तुम्हारे मन को और दामाद बाबू के मन का खाना बनाएंगे। लेकिन माधुरी, जो भी बनाना ना, कचौड़ी जरूर बनाना। हाँ लेकिन खाना हमारे पसंद का नहीं बनेगा, आज खाना बनेगा रुद्राक्षी के पसंद का। बेटे ये कृष्णा बहुत ही खतरनाक औरत है, अगर वो तुम्हारा रूप धारण कर सकती है, क्या नहीं कर सकती? वो तो रुद्राक्षी है जिसके कारण हर बार हम लोग बचते आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ये संतोषी माँ का ही रूप है। संतोषी माँ ने हमारे लिए भेजा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। धैर्य सर, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। कोई परेशानी आए उससे पहले रुद्राक्षी को गोद लेना ठीक होगा। मैं आज ही वकील साहब को फोन करता हूँ। पापा, रुद्राक्षी ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी। हम सबकी बेटा, हम सबकी। देवी, आप हमसे एकांत में भेंट क्यों करना चाहती थी? देवेश, आपने हमारी शक्तियां स्थगित क्यों की? किंतु देवी, ये कार्य तो ब्रह्मदेव पहले ही कर चुके हैं, अन्यथा हम आपकी शक्तियों को कैसे स्थगित कर सकते हैं? देवेश, हम असुर शक्तियों की बात कर रहे हैं। देवी, तनिक धीरे बोलिए। किसी के कारण तक ये बात पहुंच गई, आप बहुत कष्ट में आ जाएंगी। ब्रह्मदेव को ज्ञात था कि आप असुरी शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। इससे पहले कि वो कोई कड़ी कार्यवाही करते, हमने आपकी रक्षा कर ली। देवी, देवेश, इस समय हमारे मस्तिष्क में केवल हमारी भक्त की पीड़ा के स्वर गूंज रहे। अपनी भक्त की सहायता करने के लिए हमें हमारी शक्तियां वापस चाहिए। किंतु हम आपको संकट में नहीं डाल सकते। आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, उसके पश्चात हम आपको आपकी शक्तियां वापस लौटाने का प्रयत्न करेंगे। चलो, कांस्टेबल ताला खोलो। चलो अंदर। देख, नहीं बताने के बाद भी तेरी माँ को ढूंढ लिया हमने। देवी पाल, मेरी मदद कीजिए प्लीज। देवराज, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कृपया हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। देवेश, हम आपसे अत्याधिक प्रेम करते हैं और आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं देवेश, किंतु निर्बल होकर हम यहाँ नहीं रह सकते। या तो आप हमें हमारी शक्तियां लौटाएं, या तो हमें यहाँ से जाने दीजिए।
प्रतीत होता है स्त्री हट के समक्ष, हमें आज समर्पण करना होगा। देवेश, आप गंभीरता से विचार कर लीजिए। देवी, आप हट कर रही हैं। कृपया कर परिस्थितियों को समझिए। हम आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं देवेश, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारी स्थिति को समझना ही नहीं चाहते। देवी पौलमी, प्रेम के लिए प्रेम का मार्ग कभी सहयोगी नहीं होता। देवी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु आपकी शक्तियों को लौटाना हमारे लिए संभव नहीं। यदि आपका यही निर्णय है तो हम जा रहे हैं। आज से हम एक साधारण स्त्री की भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगे। देवी, प्रणाम। देवराज इंद्र। देवराज, ये हम क्या देख रहे हैं? देवी पौलमी तो आपसे रुष्ट होकर चली गई। कहीं स्त्री हट में आकर आप कोई अनुचित निर्णय लेने का विचार तो नहीं कर रहे हैं ना देवराज? पता नहीं देव ऋषि, किंतु हम अब देवलोक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लेंगे। देवराज इंद्र क्या कह गए? इस अपशब्द का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या कहना चाहते थे वे? ये लो, यहां पे तुम भी साइन कर दो। माते, देवी पौलमी की शक्तियों समाप्त होने से संतोषी के जीवन में अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। अब सब अच्छा ही होगा माँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रुद्राक्षी आज से आपकी बेटी हुई। धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपको पहुंचा दूंगा। वकील साहब, आपने आज हमें बहुत बड़ी खुशी दी। थैंक यू सो मच। वेलकम। जीवन साथी भी कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं। आज हमें ज्ञात हो गया ये सत्य है कि एक देवता कभी किसी असुर कन्या का साथी नहीं बन सकते। पुत्री, प्रणाम असुर राज। पुत्री, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि छल इन देवताओं के रक्त में है। अपनी देवियता को बनाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आप सत्य कह रहे हैं असुरराज, किंतु अकस्मात आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ? पुत्री, तुम्हारे कारण असुर लोग शक्तिहीन हो गया है। समस्त असुरगण अत्यंत दुखी है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।